नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा इस बार बर्थ डेट 1, 10, 19 और 28 को जिसका भी जन्म हुआ है वो व्यक्ति पर्सन के बारे में बात करेंगे। फिर से दोहराता हूँ, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख। आपकी राशि कोई भी हो, कोई भी लगन हो आपका, आप जेंडर कोई भी हो, मेल फीमेल, लेकिन यहाँ बात करेंगे उनके लक्की कलर, लक्की नंबर, लक्की डे और लक्की स्टोन के बारे में। और आपकी जो राशि है, मतलब आपका जो नंबर से फिगर है, उसकी राशि का लॉर्ड्स कौन होता है वो भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ 1, 10, 19 और 28 ये एक का टोटल एक ही होता है, 10 का टोटल भी ज़ीरो निकाल देते तो एक ही रहेगा, 19 का 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 आएगा, उसमें से भी ज़ीरो निकाल देंगे तो एक रहेगा, 28 का 8 और 2 10 करेंगे तो भी ज़ीरो निकालने के बाद उसका भी टोटल एक ही आएगा। तो यहाँ एक नंबर जो है वो है सूर्य का प्रतीक है, सन का प्रतीक है, और सूर्य आपकी कुंडली में बलवान ही होगा। आप कुंडली खोल के देख लीजिए, आपका जन्म का सूर्य स्ट्रांग होगा या बॉडी के ऊपर होगा, या मेष राशि का या सिंह राशि का होगा, या फिर सूर्य आपका केंद्र के अंदर होगा। ये सूर्य जब भी ऐसी डेट्स आती है तो व्यक्ति का सन पावरफुल होता है, और सन पावरफुल होते ही वो व्यक्ति पर्सन बहुत बड़े व्यक्ति बनने की दिशा के अंदर आगे कुछ करने लग जाते हैं, क्योंकि जिसका भी सूर्य बलवान होता है वो ही व्यक्ति पर्सन बड़े लेवल पे काम करता है, बड़े राजनेता, बड़े पॉलिटिक्स के अंदर जो भी व्यक्ति आज बड़े बड़े लेवल पे बैठे हैं उसका सूर्य तेज होता है, सन तेज होता है। दूसरा, जो आईपीएस, यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम आते हैं वो जिसका सूर्य तेज होता है या ये बर्थ डेट्स होती है वो व्यक्ति पर्सन उनके अंदर उत्तीर्ण होते वो एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। इसलिए आपके बच्चे लोग की भी अगर ये डेट्स है तो उसकी कुंडली को थोड़ा खोलिए, अपना डिडोलिए और देखिए कि अंदर कौन से ग्रह बैठे, क्या बैठे और सूर्य कैसा बैठा हुआ है। तो ये ही व्यक्ति पर्सन ये फील्ड में जाएंगे तो उनको सक्सेस मिलेगी। जैसे ये सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम आते हैं उनके लिए ये डेट्स में जन्म हुआ है तो वो बेस्ट है। सूर्य आपका मेन प्लैनेट्स हो गया, तो सूर्य को आपको जल देना चाहिए, सूर्य को जल देना आपको आवश्यक है। अगर ये डेट का आपका जन्म है तो आपको सूर्य को जल दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, अनगिनत फ़ायदा होगा। सूर्य को जल देने के टाइम पे उसके अंदर आप लाल मिर्च जो सूखी आती है, लाल मिर्च उसके बीज जो आते हैं वो डालिए, या मिर्च भी डाल सकते हैं पूरी, कोई दिक्कत नहीं, लाल गुलाब का फूल डाल सकते हैं या उसकी पंखड़ी एक दो भी डाल सकते हैं, और ओम ध्वनि सूर्याय नमः, ओम ध्वनि सूर्याय नमः, ओम ध्वनि सूर्याय नमः, ओम ध्वनि सूर्याय नमः, ऐसे मंत्र बोल के 21 बार बोलना है आपको, 21 बार, फिर पूरा जल को ख़त्म करना है, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे कमाल होते हैं। आपका कलर लक्की रहेगा येल्लो, जो कलर लक्की है वो येल्लो हो। जो भी मीटिंग्स में जाना है, कहीं भी आपको इम्पोर्टेंस मीटिंग करनी है, कहीं इम्पोर्टेंट काम पकड़ना है या कोई भी काम आपको बहुत अहम है आपके लिए, तो उस दिन आपको येल्लो कपड़े पहनने, येल्लो रुमाल रखना है और येल्लो कलर को आपको ज़्यादा प्राधान्य देना है। गोल्ड ज़्यादा पहनना है आपको, गोल्ड को आपको धारण ही करना है। आपके हाथों में लक्की होनी चाहिए गोल्ड की, या अंगूठी होनी चाहिए, या चेन गले में डाल लिए 4-5, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी डाल सके उतना आपके लिए कम है। अगर कुछ भी नहीं है तो एक खाली मामूली एक अंगूठी भी सोने की आप पहनिए, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दिखेगा। साथ में आप सूर्य का नंग भी धारण कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लक्की स्टोन, आपका जो लक्की पत्थर रहेगा वो रहेगा रूबी, उसको सूर्य का मानिक बोला जाता है, तो आपको उसका नंग भी धारण करना चाहिए। सूर्य का नंग में पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डेट्स का जन्म है आपका, आपकी राशि कुंडली, जन्म कुंडली कोई भी है, लेकिन आप ये लक्की स्टोन धारण कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। ये लास्ट वाली उंगली के बाजू वाली उंगली में आपको ये रूबी का स्टोन पहनना है, मानिक का, सूर्य का। सूर्य को बल देने से आपकी कुंडली में भी बल मिलेंगे, आपके जन्म के ग्रहों को भी पावर मिलेगा और आपकी प्रगति उन्नति आपको देखते हुए नजर आएगी। जो बच्चे हैं, जो
पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, उनको भी सूर्य जल देना चाहिए, साथ में येल्लो कपड़े उनको पहनने चाहिए, रूबी का रंग धारण करना चाहिए। और लक्की नंबर आपका एक है, आप जो भी कुछ परचेस कर रहे हो, आपके मोबाइल नंबर है, गाड़ी है, आपका घर है, आपकी ऑफिसेज है, उसके अंदर आपको एक नंबर को प्राधान्य देना है। टोटल आपका एक आना चाहिए, 19019 जैसे ये नंबर है तो उसका टोटल आप एक पकड़िए। आपके मोबाइल के अंदर भी आपका एक नंबर ज़्यादा आपका आना चाहिए, जैसे जितने भी नंबर है 10 नंबर में एक नंबर को ज़्यादा आपको रिपीट होने चाहिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। ये आपकी कुंडली में लक्की नंबर है। और लक्की डे आपका संडे, सूर्य का मेन दिन होता है संडे, सर संडे के दिन तो सब बंद होता है, लोगों के लिए बंद है, आपके लिए चालू रहेगा, आपको बोलना है मुझे संडे के दिन ही मिलना है, संडे के दिन मेरे पास टाइम रहता है, जो भी कोई बात करके आपको संडे के दिन मीटिंग करके संडे के दिन को इम्पोर्टेंस काम को पकड़ना है, इम्पोर्टेंस चीज़ों को पकड़ के आपको उस दिन काम अपना निकालना है। और मैंने जैसे बताया आपका लक्की स्टोन रहेगा रूबी माने को, वो भी आपको उंगली में धारण करना चाहिए, इससे आपको काफ़ी पढ़ाई लिखाई में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनमें काफ़ी मूवमेंट आएगी, अच्छे पॉइंट से मार्क्स होंगे उनके, अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक करते हुए नज़र आएंगे और आपके बच्चे उन्नति प्रगति करते हुए आपको नज़र आएंगे। जो भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं या इससे भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये डेट्स का जन्म है इनका, तो आपको अवश्य उनको सोने की चीज़ थोड़ी पहनानी चाहिए, थोड़ा रूबी पहनाना चाहिए, अगर सोने में रूबी पहना है तो अति उत्तम है, सूर्य को जल देना चाहिए, येल्लो कपड़ों का पहनना चाहिए और पीली चीज़ों का सेवन करना चाहिए, हल्दी है, केला है, पीली चीज़ें बहुत सारी होती है, वो आप जितनी बने उतनी खाइए, केसर का सेवन करना भी आपको बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि केसर में भी सूर्य का ही एक पावर रहता है। इसलिए यहाँ जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, एक है आपका लक्की स्टोन मतलब सूर्य आपका मेन, सूर्य आपका जो ग्रह है वो आपका न्यूमरोलॉजी में उसको मेन माना जाएगा, बाकी ये आपके कलर है येल्लो, नंबर एक आपका लक्की नंबर रहेगा, संडे के दिन मीटिंग करो और रूबी स्टोन को धारण करिए, देखिए फिर ज़िंदगी में कैसे आपके चेंजेस आते हुए आपको नज़र आएंगे। ऐसे और वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।